हम हर बार आपको अलग अलग विधानसभा सीटों के चुनावी समीकरण के बारे में बता रहे हैं और वहां के प्रत्याशी के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट की, आज बात करेंगे उदयपुर विधानसभा सीट के बारे में। झीलों की नगरी, अरावली की पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों से घिरा उदयपुर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में सीट पर लगभग 2,44,869 मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। कांग्रेस की ओर से गौरव वल्लभ मैदान में उतरे हैं, तो वहीं बीजेपी ने ताराचंद मीणा को मैदान में उतारा है। अब बात करते हैं यहाँ के जातिगत समीकरण के बारे में। तो आपको बता दें, यहाँ जैन और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और इनके अलावा यहाँ ओबीसी वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, जो किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का समीकरण बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गुलाब चंद कटारिया ने जीत हासिल की थी, जहां कटारिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार गिरिजा व्यास को 9,307 मतों के अंतर से हराया था। बता दें, गुलाब चंद कटारिया को 74,660 मतदाताओं का समर्थन मिला था, तो वही कांग्रेस के गिरिजा व्यास के खाते में 65,353 वोट आए थे और उन्हें 9,307 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। प्रदेश की सियासत में उदयपुर विधानसभा सीट अपना खासा दबदबा रखती है। बता दें, यहाँ से मोहनलाल सुखाड़िया, भानु कुमार शास्त्री, डॉक्टर गिरिजा व्यास और गुलाबचंद कटारिया सहित कई दिग्गजों ने चुनाव लड़कर केंद्र और राजस्थान की सियासत में अपनी खास जगह बनाई है। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।